अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो का कंटेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मौजू के लिए मैं आपसे खुसूसी तवज्जो का मुत्तकाजी हूँ। नाज़रीन, बिल आखिर इमरान खान साहब पे एक आखिरी हमला करने का मंसूबा बना लिया गया है और अगले 72 घंटों में इस हवाले से आपको एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर भी सुनने को मिल सकती है। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम जो कि एक बरतानवी जरीदा है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, एक आर्टिकल लिखा है और पीटीआई पे और इमरान खान साहब पे इल्जामात की बौछार कर दी है। उसकी तफसीलात पहले 2-3 मिनट में मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद कई जो कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं उसके तनाजुर में फाइनेंशियल टाइम्स की इस स्टोरी को फरकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने जो ये आदाद शुमार और हकायक फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से लिखे हैं उसका पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे के साथ ताल्लुक जोड़ना जो उसकी टाइमिंग है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। चुनाचे नाजरीन, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है साइमन क्लार्क ने। साइमन क्लार्क बिलाशुबा 2016 में उन्हें एक अवार्ड भी मिला है, बैनुल अक्वामी अवार्ड भी मिला है। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कई स्टोरीज कवर की है। कांगो के जो कापर के जखायर हैं और उसका जो एक स्कैंडल था उस हवाले से भी उन्होंने स्टोरीज कवर की हैं और इसके अलावा बरतानिया के बैंकों के हवाले से भी उन्होंने कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज दी हैं। नाजरीन, ये जो स्टोरी लिखी है साइमन क्लार्क ने उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अबराज ग्रुप के जो बानी हैं, जो सरबराह हैं आरएफ नकवी साहब, उनकी ईमेल्स, एबराज ग्रुप की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायजा लिया गया है। और साथ ही साथ साइमन क्लार्क ने यह भी दावा किया है कि उनके पास इन तमाम तर जो दावे हैं उसकी कॉपी भी मौजूद है। वो लिखते क्या हैं कि एबराज ग्रुप के जो बानी हैं वो क्रिकेट मैचेस मुनाकिद कराते थे और साथ ही एक वुटन क्रिकेट क्लब, ये वुटन क्रिकेट क्लब के भी सदर रहे हैं। 2012 से लेके 2014 तक जो है आरएफ नकवी उसके सदर रहे हैं। चुनाचे फाइनेंशियल टाइम ने ये दावा किया है कि शेख नहयान मुबारक ने वुटन क्रिकेट के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए थे। वुटन क्रिकेट क्लब के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए थे और आरएफ नकवी ने वो $20 लाख जो हैं अगले छह दिनों में वो $20 लाख पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए थे। इसके अलावा अखबार लिखता है कि वुटन क्रिकेट क्लब ने यानी आरएफ नकवी ने ऑक्सफोर्ड शायर में अपने एक पैलेस में, अपने महल में एक क्रिकेट मैच का इनेकाद किया, वीकेंड पे इनेकाद किया और उस वीकेंड पे कई बैंकर्स को, सैकड़ों बैंकर्स को, वकला को, सियासतदानों को, सहाफियों को दावत दी गई और इमरान खान साहब भी इस महफिल में शरीक हुए। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस महफिल में शराब व कबाब की महफिलें उरूज पे थी। चुनाचे अखबार लिखता है कि उस दिन जहां सैकड़ों बैंकर्स वहां पे शरीक थे वुटन क्रिकेट क्लब के मातहत आरएफ नकवी ने जो मैच मुनाकिद कराना था, तो कई इन्वेस्टर्स से आरएफ नकवी ने कहा कि हमें चैरिटी चाहिए और ये चैरिटी जो है हम फलाई कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। चुनाचे आरएफ नकवी ने कहा कि 2000 से लेके 2500 तक पाउंड जो है वो चैरिटी की मद में दिए जाएं। चुनाचे अखबार लिखता है कि वहां पे चैरिटी दी गई 1.112
मिलियन पाउंड चैरिटी जमा हुई, यानी तकरीबन 12 लाख पाउंड चैरिटी जमा हुई। और फिर अखबार लिखता है कि ये जो चैरिटी की रकम है ये भी तहरीक इंसाफ के अकाउंट में जो है वो मुंतकिल की गई। यहाँ पे रफीक लाखानी का भी नाम उन्होंने लिखा है और कहा कि रफीक लाखानी जो कि अबराज ग्रुप के सेकंड हैंड कमांड है, यानी कि आरएफ नकवी के बाद दूसरी अहमियत उनकी है। तो उन्होंने ईमेल्स का भी तस्करा किया कि रफीक लाखानी और आरएफ नकवी के दरमियान क्या बातें होती रही। आरएफ नकवी रफीक लाखानी से कहते हैं कि पीटीआई के अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दे 12 लाख पाउंड, लेकिन ये नहीं बताना कि ये रकम कहां से आई है। इस तरह कई जो है ना उन्होंने हवाले दिए हैं इस अखबार ने। अब यहां पे रुक जाएं नाजरीन, यहां पे रुक जाएं। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मौकफ क्या है। पहली बात ये कि ये जो कहा जाता है कि फॉरन फंडिंग केस कोई नाम है ही नहीं। प्रोहिबिटेड फंडिंग ममनुआ फंडिंग है ये, यानी किसी भी गैर मुल्की शहरी से, गैर मुल्की कोई इदारा है, कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कारपोरेशन है, उससे आप पैसे नहीं ले सकते। यह है सिंपल केस। और यह जो एक हवा कड़ा किया जा रहा है कि इसराइलियों से पैसे लिए हैं, भारतीयों से पैसे लिए हैं, यहां तक आ गया ना, तो वो रिपोर्ट के बारे में मैंने काफी तहकीक की है। अभी बकरम साहब ने कल प्रोग्राम में कहा कि मैंने पूरी तहकीक की है, ऐसी कोई बात है ही नहीं उसमें कि इसराइली और भारतीय, ये पूरा एक गुब्बारा है जो पट चुका है। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी को पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे से आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। पहला सवाल, ये स्टोरी आई कब है? कल मरियम नवाज ने दो दफा धमकी दी है कि फॉरन फंडिंग केस का फैसला सुनाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल एक हफ्ते से कह रहे हैं कि फॉरन फंडिंग केस का फैसला सुनाओ, मुसलसल धमकियां दी जा रही है। यह भी आपको बता दूं कि कल पूरा दिन मरियम औरंगजेब अपने तनख्वाहदार साफियों से राब्ते करती रही कि आप वावेला कड़ा कर दें, एक तूफान मचा दें, फॉरन फंडिंग केस के हवाले से आप दिन रात ट्वीट्स करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, यूट्यूबर्स जो हैं वो दिन रात कोई काम न करें, सिर्फ और सिर्फ फॉरन फंडिंग केस के हवाले से बात करें। ये मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज ने धमकी दी, मौलाना फजल रहमान साहब ने धमकी दी। इमरान खान साहब को मकबूलियत में ये कम नहीं कर सके, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। इमरान खान साहब बयानिए की जंग जीत गए, जिम्नी इंतखाबात में 20 में से 15 नशिस्तें अमलन इमरान खान साहब जीत चुके हैं। तो ऑन ग्राउंड अवामी मकबूलियत में इमरान खान साहब का मुकाबला इन्होंने किया नहीं, चुनाचे इन्होंने फॉरन फंडिंग केस का हर तरफ शोर वोगा करना शुरू कर दिया। इससे आपको इस स्टोरी की हकीकत जो है समझ आ जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ ने 40,000 अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं, और ये जो जवाब है आरएफ नकवी, ये जो वोटर क्रिकेट के हवाले से और शेख नायान के हवाले से है, तो ये आरएफ नकवी इलेक्शन कमीशन को जवाब दे चुके हैं। आरएफ नकवी ने ये कहा है कि भाई मैंने 1.12 मिलियन पाउंड ट्रांसफर किए हैं पीटीआई के अकाउंट में, बिल्कुल किए हैं, लेकिन वो जो पैसे मेरे पास आए थे वो 2016 में मैंने के इलेक्ट्रिक को बेच दिया था एक चीनी कंपनी को 1.77 अरब डॉलर में, 1.77 अरब डॉलर में। यानी कि आईएमएफ जो अभी हमें कर्जे के किस दे रहा है वो 1 अरब डॉलर है, वो पता नहीं वो देता भी है या नहीं देता, लेकिन इससे डबल पैसे में के इलेक्ट्रिक भेज दी थी 2016 में आरएफ नकवी ने। तो आरएफ नकवी ने ये कहा कि ये जो मैंने पैसे दिए हैं पीटीआई के अकाउंट में बिल्कुल दिए हैं, मैंने किसी गैर मुल्की कंपनी से, गैर मुल्की शख्स से नहीं लिए, ये आरएफ नकवी जवाब जमा करा चुके हैं। तो इस स्टोरी का तो गुब्बारा फट जाता है भाई, लेकिन फैक्ट्स को डिस्टार्ट करना है, मसख करना है। अगले 72 घंटों में इमरान खान साहब को नाअहल करने के हवाले से कोई धमाकेदार खबर आ सकती है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन एक बात, इलेक्शन कमीशन के पास नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, पार्टी पे पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं है। सिर्फ वो ये कह सकती है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग ली गई है या नहीं ली गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिसरेगुलरिटीज फॉरन फंडिंग केस में या प्रोहिबिटेड फंडिंग में, इससे ज्यादा है। लेकिन मरियम औरंगजेब ने दिन रात तूफान बदतमीजी बरपा करवा दिया है अपने तनख्वाहदार साथियों के जरिए। मुख्तसर अल्फाज में मैंने ये फैक्ट्स आपकी खिदमत में समेटने की कोशिश की है। अगेन आरएफ नकवी जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी, किसी प्रोपेगंडे से मरऊब होने की, मुतासिर होने की
कतन कोई जरूरत नहीं है। इस स्टोरी को आप मौजूदा पाकिस्तान के मंजरनामे से अगर इसकी तदबीक करते हैं तो इसको समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है। सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।